लिखो पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलरॉइड्स पता है, सनग्लासेस होते हैं जो, मतलब सही वाले सनग्लासेस। एक तो जो मार्केट में बिकते हैं कि भाई काला करके बेच देते हैं प्लास्टिक को, वो नहीं है ना, जो असली सनग्लासेस होते हैं जिसमें पोलरॉइड्स यूज़ करते हैं हम, अगर उनको पहनोगे ना तो बिल्कुल फ़र्क ड्रास्टिकली तुम्हें पता चल जाता है, उनको काला नहीं करना पड़ता है ना। एक तो देखो, वो जो 100-200 रुपए के आते हैं वो कैसे करते हैं, समझ गए ना, उनका एक काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत तो लगता है तुम्हें कि भाई ठीक है बाहर अंधेरा है ऐसा, पर एक्चुअली में पोलराइड्स का काम क्या है कि जो बहुत ज़्यादा सन की इंटेंसिटी है वो तुम्हारी आंखों में ना जाए। तो ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा वो किस तरीके से काम करते हैं। जो ग्लेयर्स वगैरह हमको दिखता है, जैसे रिवर है उसमें पानी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, फिर मिरर में जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो ग्लेयर्स हमको नहीं दिखेंगे, तो आंखों में कुछ चमकेगा नहीं है ना, तो इसलिए यूज़ करते हैं पोलराइड्स। ठीक है, वो देखा होगा ना स्टेडियम वगैरह में, क्रिकेट वगैरह में जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं तो पहने रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो खुला हुआ होता है तो वहाँ पे ग्लेयर्स वगैरह ना आए। बाकी तो अपना क्या, अपन लोग आँख हटा लेंगे इधर, है ना, इतना माइंड नहीं करते। पोलराइड्स खरीदना भाई, ठीक है। देखो पोलराइजेशन का पहले मतलब समझाते ना। देखो लाइट क्या है, लाइट एक वेव है, और इसमें कौन सी चीज़ें जो स्पेस और टाइम के साथ वेरी करती है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है लाइट में। वेव मतलब कोई ना किसी चीज़ को स्पेस और टाइम के साथ वेरी करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, अरे उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का स्पेस और टाइम के साथ वेरी करता है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। साउंड में कौन सी चीज़ वेरी करती है, प्रेशर स्पेस और टाइम के साथ, है ना। और जब तुम बताए श्रोडिंगर की वेव पढ़ते हो उसमें क्या वेरी करता है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लाइट में क्या वेरी करता है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या अकेले टर्म में बात करेंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके प्रोपोर्शन में ही वेरी करती है ना। एक होगा कोई कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो तुम्हें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करते हैं। तब होता क्या है, जो लाइट आ रही है, जैसे लाइट आई भाई सन से आ रही है, लाइट सनलाइट आ रही है ना, ऐसे आ रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले तो हमें पता है TEM, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही होती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अब लाइट इस तरीके से आ रही है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे भी वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे भी कर सकती है, ऐसे ऐसे भी कर सकती है। तो कौन से डायरेक्शन में करती है, फिर कैसे भी कर सकती है ना वो। तो अब क्या होता है कि पोलराइजेशन जो बोलते हैं वो इसी चीज़ के बेसिस पे बोला जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है ना। फ्लक्चुएट मतलब प्लस माइनस, जो साइनोसॉइडली जो वेरी करती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तब होता क्या है कि जो सन से जो लाइट आ रही होती है उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है उस रे में इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट ऐसे वेरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे वेरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे वेरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे वेरी कर रहे होंगे। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही होगी, क्योंकि आ कहाँ से रही है वो लाइट। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं तो वो तो रैंडम हो रहे हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में निकल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर डायरेक्शन में होती है। तो सन से जो लाइट आती है वो कैसी होती है, अनपोलराइज्ड। इसको देखो मैं किस तरीके से दिखा रहा हूँ, अनपोलराइज्ड लाइट। अभी धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा ना, अनपोलराइज्ड लाइट। तो मान लो कि लाइट इस बोर्ड से बाहर जा रही है, ठीक है, मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, लाइट इस बोर्ड से बाहर जा रही है, ये लाइट इस तरीके से जा रही है। और अब इस यहाँ पर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिखाऊंगा। तो जब मैं अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वेरी कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पर ऊपर भी और नीचे भी है, फिर तो कैंसिल कर जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वेरी कर रही है ना। पहले ऊपर के डायरेक्शन में 10 था मैग्नीट्यूड, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4, ऐसे होता है ना साइनोसॉइडल वेरिएशन। समझ में आ गया, तो इस ये दो साइडेड एरो का मतलब समझ में आया। जब मैं ऐसा एरो दिखाऊंगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रो फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है। और लाइट कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है लाइट। ठीक है, अब अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी कर रही होगी, इस डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट कर रही होगी, इस डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट कर रही होगी, इस डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि ये लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड। इसका एग्जांपल क्या है,
सनलाइट। तो ये तो हो गई हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, समझ गए होगे तुम लोग, खुद बताओ क्या होगी। किसी एक डायरेक्शन में कर रही हो ना, मान लो मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया भाई कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, और लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इन एक्स डायरेक्शन। और अगर लाइट हमारी इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इन वाई डायरेक्शन। लिख लो लीनियरली या फिर प्लेन पोलराइज्ड भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ होती हैं। मैं सबके मतलब बता दे जाऊँगा ना, लीनियरली या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है तुम्हारी, लीनियरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन वाई डायरेक्शन। अब ये प्लेन और लीनियरली पोलराइज्ड का क्या मतलब था, तो मान लेते हैं लाइट दोनों डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को ई एक्स बोल देते हैं और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को ई वाई बोल देते हैं, है ना। अब जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आना वहीं बंद हो जाएगा जहाँ तुम्हें फेज डिफरेंस का मतलब नहीं पता। फेज डिफरेंस बिटवीन ई एक्स एंड ई वाई इज डेल। मैं कह रहा हूँ डेल क्या है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अच्छा बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसका रिजल्टेंट निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर, है ना, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालें अगर, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस टू ई एक्स ई वाई कॉस डेल, ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस है, डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर डेल जीरो हो जाए तो क्या होगा बताओ, और अच्छा एंगल बताओ जरा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इतना ही है, छोटा सा है, और उस समय मान लेते हैं वाई डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आएगा, तो ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा। अच्छा एक्स और वाई अपने ऐसे क्यों मान रखे, मतलब सीरियसली ई एक्स और ई वाई है ना, और ये मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर मतलब दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मैंने ये बता दिया, तुम लोग अभी सही है ना, और डायरेक्शन बता जल्दी से, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ई वाई वाई, ठीक है। और ई वाई और ई एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे ई एक्स अगर मैं लिख दूँ, ई एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ ई नॉट एक्स, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ई वाई क्या हो जाएगा, ई नॉट वाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस टेन, ई वाई वाई ई एक्स, और ई वाई क्या है तुम्हारा, ई नॉट वाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल, और ई एक्स कितना है तुम्हारा, ई नॉट एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो पहले यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये तुम्हारा वेक्टर में और फेजर मेथड उससे लिखा गया है, कहीं भी कोई डाउट है तो बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, उसका एम्पलीट्यूड ये है, वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है ओमेगा टी, और के जेड लिख देते हैं अपन, क्यों, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जब मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में करा है मतलब लाइट जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ पर भी जेड कर दो, यहाँ पर भी जेड कर दो, के साथ जो टर्म होगा याद रखना, लाइट हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। अब अपन अलग अलग केसेस डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या होगा अगर मैं डेल को जीरो ले लूँ, पहला केस, अब क्या आ रही है तुम्हारी, डेल को जीरो रख देते हैं, तो ई तो तुम्हारा यही रहेगा, है ना, और थीटा कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल टू ई नॉट वाई वाई ई नॉट एक्स, मतलब जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ थीटा एंगल पे आ रहा होगा एक्स डायरेक्शन से, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें इस तरीके से फ्लक्चुएट करती हुई दिख रही होगी, ये तुम्हारा ई नॉट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी थीटा एंगल पे इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड, लीनियरली या फिर प्लेन पोलराइज्ड। अच्छा इसका कोई मतलब बताओ, डेल इक्वल टू जीरो का फिजिकल मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या मतलब बन रहा है इसका, कौन बता रहा है, ये मैथमेटिक्स से ये चीज़ें दिखती रहनी चाहिए तुम्हें, हाँ तो वही उसको सही लैंग्वेज में बोलो जो बोलना चाह रहे हो, और कौन समझाएगा बताओ,
फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और ईवाई वाली वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एक ही साथ आएगा। एम्पलीट्यूड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एक साथ होगी, ये है इसका मतलब कि जब इस जब वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। जब वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो एक्स डायरेक्शन की भी मैक्सिमम होगी। जब वाई डायरेक्शन की मिनिमम होगी तो एक्स डायरेक्शन की भी मिनिमम होगी। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें इस तरह से दिख रही होगी। तो ये अनपोलराइज नहीं है, ये पोलराइज लाइट है तुम्हारी। तुम्हें जो रिजल्टेंट दिख रहा होगा तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करती हुई दिखेगी। आया समझ में डेल इक्वल टू जीरो का मतलब? तो इस तरह से देखते हुए चलना है। कितने लोगों को समझ में आया? और ये SHM में भी समझाया था, ठीक है। अब सिमिलरली तुम डेल इक्वल टू पाई पे भी लीनियरली पोलराइज आ जाएगी। अब इसका मुझे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, उसमें बस तुम्हारा एंगल कितना आ जाएगा बताओ? थीटा नेगेटिव आ जाएगा, ऐसी होने की जगह वो ऐसे फ्लक्चुएट करने लगेगी, अगेन वो लीनियरली पोलराइज रहेगी। क्लियर है क्या? ये तुम खुद से कर लोगे, थीटा नेगेटिव है तुम बना लोगे मुझे श्योर। अब देखो अगला केस लो, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड। डेल इक्वल टू अगर मैं पाई बाई टू ले लूँ तो फिर क्या होगा बताओ? तो फिर थीटा कितना आ रहा है तुम्हारा? ई नॉट वाई वाई, ई नॉट एक्स, और क्या आ रहा है? कॉस। तो ये कितना बन गया तुम्हारा? कॉट ऑफ ओमेगा टी माइनस बोलो के जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में जा रही है लाइट, ठीक है। तो देखो इसको अभी पहले, इसको तो मतलब डायरेक्ट रीड नहीं कर पाओगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहला केस मान लेता हूँ समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये भी बोल दूँ, इसके साथ एक कंडीशन और लगा दूँ कि ई नॉट वाई इक्वल टू ई नॉट एक्स इक्वल टू कुछ बोल देते हैं, ई नॉट बोल देते हैं ना कुछ, ई नॉट वाई और ई नॉट एक्स तुम्हारा कुछ ई नॉट हो गया। ई नॉट हमने कहीं और डिफाइन नहीं करा अभी तक ना, ठीक है। मैं बोल देता हूँ इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, जनरली जो आ रही होगी लाइट अगर एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब एम्पलीट्यूड, तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो फिर ये क्या बन जाएगा बताओ? टेन थीटा इक्वल टू क्या बन गया मेरा? इसको हम लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स जो भी है। तो इससे हमारा थीटा क्या निकल के आया? पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस के। अब इसको इंटरप्रेट करो बताओ ये किस तरह से होगा, इसका विजुअलाइज करके बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। ये भी मैंने SHM के टाइम पे बताया हुआ है, इसको रीड कैसे करोगे ये जो रिजल्ट आया है। मान लो किसी पर्टिकुलर एक्स, किसी एक्स पे लिख दिया जेड है ना, किसी पर्टिकुलर जेड पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं। मान लो हम इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, ये जेड की ओरिजिन है, जेड इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, तो जेड तो कॉन्स्टेंट हो गया। तो बताओ जेड इक्वल टू जीरो पे थीटा किस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, क्या मतलब इसका? देखो थीटा है क्या और क्या होगा, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बोलो? क्या सर्कुलर, क्या चीज़ सर्कुलर, कौन सा वेक्टर? हाँ तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या कर रहा है? तुम कुछ बोल तो रहे नहीं हो, ठीक है। तो क्या करेगा इस केस में, जो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ रहा है वो तुम्हारा घूम रहा होगा, इससे दिख रहा है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो घूम रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो तुम्हारे तुम देखोगे अगर तुम यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, ठीक है, क्योंकि उन दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। इसको देखो फील भी कर सकते हैं, पाई बाई टू के फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? जब मान लो एक्स, जब वाई जीरो है उस समय एक्स क्या है तुम्हारा? नहीं, एक्स पाई बाई टू पीछे चल रहा है तो एक्स इधर होगा, जब वाई जीरो है तो एक्स इस डायरेक्शन में, तो कहाँ पहुँचा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरह से अभी है ना। अब इसको मैक्सिमम कर देते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये यहाँ पे पहुँच गया, मतलब वाई वाला, इसका मतलब क्या है? वाई वाला एक्स से हमेशा पाई बाई टू आगे चल रहा है, तो जब y x जीरो होता है तब y क्या हो जाता है? मैक्सिमम या मिनिमम, डिपेंड करेगा कौन सा वाला जीरो है। नहीं, जीरो पे तो पता है y मिनिमम पे रहेगा। अब जब x मैक्सिमम होगा तब y जीरो हो जाएगा, अब जब x पाई पे आएगा तो y मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमेशा पाई बाई टू आगे चल रहा है। तो इस तरह से तुम्हारा दिखता हुआ दिख रहा है तुम्हें, तुम विजुअलाइज कर सकते हो हर एक इंस्टेंट पे इसको, ये मैथमेटिक्स है यहाँ पे इसकी। इसको हम बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो अब तुम लीनियर और प्लेनर का मतलब समझ गए,
अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो हम उसको लीनियरली पोलराइज या फिर प्लेन पोलराइज वेव बोलेंगे, पर अगर वो इस तरह से घूम रही है तो सर्कुलरली पोलराइज बोलेंगे। और ये वाली क्या कहलाती फिर, इसको हम उतने अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं, पर ये क्या बोल रहा है, बस एक्स और वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड अलग है। तो ये हमारी होती है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल तो समझते हो ना, इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। लिख लो, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। हाँ फिर बिल्कुल ऐसे लाइट तुम्हें ऐसे ऐसे आगे जाती हुई दिख रही होगी, अगर उसको आगे भी बढ़ा दोगे और घुमाओगे तो हाँ बिल्कुल इस तरह से जा रहा हो। कौन से वाले का बोल रहे, ये वाला इस तरह से, इसमें किसमें, सर्कुलर वाले में। हाँ सर्कुलर वाले में एक पॉइंट, मतलब देखो रे मतलब बोलते हैं, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि लाइट ऐसे जा रही, तो किसी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बता रहे हैं। असलियत में कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, ये है। मान लो उसका मैग्नीट्यूड 100 है, तो इस पॉइंट पे 100 रहेगा, फिर वो 100 का डायरेक्शन बदलता रहेगा। असलियत में कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो रही है, वो ग्राफ है, वो मैग्नीट्यूड बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ रहे हो, है ना। वो लाइट का दिखाने का तरीका है, कुछ लोग सोचते हैं असलियत में कोई चीज़ ऐसे ऊपर नीचे होती जा रही है, असलियत में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ऐसा तुम सोचो, है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो प्लस माइनस हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो क्या होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसको ही वो सच्चाई समझने लगते हैं, उसका मीनिंग निकालने की जगह। तुम कुछ और कह रहे थे, इमेजिनेशन वाला। अच्छा मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी है, बिलीव मी। इंडीड पाई बाई टू की जगह कोई भी डेल हो, है ना, पाई बाई सिक्स हो, 30 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, इलिप्टिकली पोलराइज जाएगी। बस क्या होगा, ये वाला इलिप्स कैसा बन रहा था, ये जो इलिप्स होता वो ओरिजिन के अबाउट ऐसा होता, सिमेट्रिक इलिप्स होता। अगर तुम 30 डिग्री 60 डिग्री ले लोगे तो वो ऐसा आ सकता है, उसकी एक्सेस मतलब जो मेजर एक्सेस होगी वो एक्स है बाई के अलोंग पैरेलल नहीं होगी, पर इतना सबकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब लाइट को पोलराइज करते कैसे हैं, है ना, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं ना लाइट को पोलराइज करने के, तो अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखते हैं ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी का एक अगला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो है ब्रूस्टर्स एंगल। फिर इसके बाद होता है हमारा पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, फिर एक पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन भी होता है, पर वो हमारे लिए है नहीं, है ना। फिर एक है तुम्हारा पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म, और ये भी पढ़ा देंगे भाई, पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये इतने सब एनसीईआरटी में है। ठीक है, करें क्या, देखो आप सबसे पहले तो मैं लाइट को अब बताऊंगा कि लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, पहले मैं जिस तरह से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ उसके मीनिंग समझा रहा हूँ तुम्हें। इससे मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इस एरो से ऐसे, ठीक है। फिर उसमें क्या करूँगा मैं, अगर इस तरह से बना रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस तरीके से बना रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लीनियरली पोलराइज्ड है, ठीक है, इस तरह से जो भी है। और अगर मैं इसके साथ इनके ऊपर डॉट्स भी बनाता हुआ चलूंगा, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है, और डॉट का मतलब क्या है, ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, क्लियर है कि इनके मतलब, अरे जिस डायरेक्शन में जाती है उससे परपेंडिकुलर फ्लक्चुएट करती है ना, तो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, दोनों इन्फाइनाइट डायरेक्शन है इस प्लेन में, ठीक है। तो एक मैंने इस डायरेक्शन में दिखा दिया और एक इस डायरेक्शन में दिखा दिया, एक्चुअली अगर इस डायरेक्शन में भी कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर ना, उसके कंपोनेंट्स में इस डायरेक्शन में करके दिखा सकता हूँ, तो किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखा दो, हो जाता है काम। देखो ऐसा है कि भाई फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ाते रहो ना तो बड़ी आसान है, अगर समझने लगो तो थोड़ी दिक्कत होती है, पुश करना पड़ता है दिमाग को, तब समझ में आता है। चलो ठीक है, करते हैं। तो पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन का मतलब समझ गए हो, अनपोलराइज लाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं भी फ्लक्चुएट कर रहा है, पोलराइज मत करना मतलब कि उसको किसी एक डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करवाना, ये ऑब्वियस है। तो आप पोलराइज किस तरह से करते हैं ना लाइट को, तो देखो एक तरीका होता है कि ये मान लो दो अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे मान लेते हैं म्यू वन है और यहाँ पे मान लेते हैं बी टू है, दो अलग अलग मीडियम है, एयर है, वाटर है, या फिर कुछ भी ले लो। यहाँ पर तुमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, मान लो तुम्हारी लाइट इस तरीके से आ रही है, किसी एंगल आई पे आ रही है,
अब हमें यहाँ पे लाइट के साथ साथ उसके पोलराइजेशन भी दिखाना है। तो ये हमारे पास जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट डाल रहे हैं, उसी को तो पोलराइज करेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट है हमारी ये। मैंने लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवाया एक मीडियम पे इस डायरेक्शन में, और ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ कि अनपोलराइज्ड लाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट कर रही है और इस डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट कर रही है। क्लियर है ये? ठीक है। अब हम जानते हैं भाई, जब भी लाइट गिरती है किसी भी मीडियम पे, हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक तो रिफ्लेक्शन होगा, वो पढ़ा हुआ है हमने, एक तो रिफ्लेक्शन होगा, आई एंगल पे ही होगा। दूसरा क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब वो डिपेंड करेगा मीडियम क्या है ना, पास जाएगी या दूर जाएगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा रिफ्रैक्शन हो जाएगा किसी एंगल आर पे, ठीक है। अब होता क्या है भाई कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमने उसको ऑब्जर्व करा है ना, तो हमने देखा कि वो मैक्सिमम पोलराइज्ड है इस डायरेक्शन में, और कुछ कुछ जगह ऐसी भी है। मतलब इस वक्त ये वाली लाइट हमारी जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब समझ रहे हो? है तो दोनों डायरेक्शन, पूरी कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है और कंप्लीटली अनपोलराइज्ड भी नहीं है। मतलब हमने इसका कुछ परसेंटेज पार्ट इस डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स को हमने खत्म कर दिया यहाँ पे, और इस डायरेक्शन की जो लाइट रहती है वो भी फिर ऐसी हो जाएगी। इसमें कुछ इस डायरेक्शन में ज़्यादा आ जाएंगे और इस डायरेक्शन में कुछ कम आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये वाली लाइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ज़्यादा पोलराइज करती है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो उसी प्लेन में ज़्यादा पोलराइज कर रही है। प्लेन का मतलब समझो, जब मैं प्लेन बोल रहा हूँ तो जिस प्लेन में ये सारी चीज़ें हो रही है, जिस प्लेन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। जिस प्लेन में तुम्हारा नॉर्मल है, जिस प्लेन में तुम्हारी इंसिडेंट वेव है, जिस प्लेन में तुम्हारी रिफ्लेक्टेड वेव है, जिस प्लेन में तुम्हारी रिफ्रैक्टेड वेव है, उस प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर पोलराइज करती है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो उसी प्लेन में पोलराइज करती है, और दोनों ही के दोनों क्या हैं? पार्शियली, कोई भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं हुई, पार्शियली पोलराइज हो गई हैं ये दोनों लाइट्स। ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसको लिखो। और इनके रीज़न क्या है, ये तुम्हें इससे मतलब नहीं है ना, ये ऐसा होता है, रीजन्स हमारे बियॉन्ड है फिलहाल, बस ऐसा होता है, हमें ये याद रखना है। तो बनाओ जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ। ऐसा नहीं है इनको हम प्रूव करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन से हम बिल्कुल प्रूव कर देते हैं ना, पर वो अभी बहुत आगे की चीज़ें हैं, उससे पहले बहुत सारी मैथमेटिक्स भी पढ़नी है जो 12th के बियॉन्ड है। अब क्या, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट उसको वेरी करो, है ना, उसको हमने वेरी करा। फिर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जिसको हम बताएं एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं। जब आई की एक बिल्कुल पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी और जो लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, ये दो तरह की लाइट है ना। तो हमने देखा कि हमने तो क्या डाला था भाई, हमने तो अनपोलराइज्ड लाइट डाली थी, है ना, पर हमने देखा एक पर्टिकुलर एंगल होता है। अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम बाद में निकालेंगे, है ना, पर एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसको भी हम बोल रहे हैं थीटा बी, ब्रूस्टर्स एंगल या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन। लिख देता हूँ मैं, थीटा बी क्या है तुम्हारा? ब्रूस्टर्स एंगल या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस एंगल पे हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंप्लीटली पोलराइज हो गई है। हमें लाइट को, हमारा टारगेट तो यही था ना, लाइट को पोलराइज करना। अब हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल पर वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है। मतलब अब इस लाइट में कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इसके प्लेन में पोलराइज हो, सारी की सारी लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो रहा है। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है उसके साथ क्या होगा? बिल्कुल जो हमें लगता है वैसा नहीं होता, ये अभी भी पार्शियली पोलराइज है। और ये तुम्हारी क्या हो गई? पोलराइज्ड इन, पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। देखो पहले से बनाओ फिर समझाता हूँ। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द ब्रूस्टर्स एंगल, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब वो मेजरली किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी?
इसके प्लेन में है ना, पर कंप्लीटली नहीं होगी। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये अभी भी पार्शियली पोलराइज्ड है। क्यों नहीं है? क्यों इस अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि इसका जवाब दे पाए। इसके लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो तुम इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे ना, और वहाँ पे मतलब समझ रहे हो, एक सर्टेन लेवल चाहिए अगर उसको सच में समझ जाए तो ठीक है। देखो होता क्या है, ब्रूस्टर्स एंगल्स पे एक और जो चीज़ हो जाती है वो ये है, जो नोटिस करा, ये जो ब्रूस्टर्स ने करा था, ये नोटिस है ना, कि जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्री पे होती है हमेशा। देखो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द ब्रूस्टर्स एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द ब्रूस्टर्स एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलो जल्दी से बता दो ब्रूस्टर्स एंगल्स किसके बराबर होगा। ये मान लो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये तुम सॉल्व करके बताओ। फाइंड थीटा बी, स्नेल्स लॉ तुमको आता ही है, कितना आया? टेन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन आ गया। लगाओ स्नेल्स लॉ का भाई, म्यू वन साइन थीटा बी इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब देखो भाई ये 90 डिग्री है तो, और ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो बोल सकते हैं ना थीटा बी और आर का सम 90 डिग्री होगा। तो आर को मैं क्या रख सकता हूँ, म्यू वन साइन थीटा बी इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ, आर को क्या रख सकते हैं 90 माइनस थीटा बी रख दो, तो ये क्या बन गया तुम्हारा कॉस थीटा बी। तो क्या आ गया तुम्हारा टेन थीटा बी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। या फिर अगर मान लो तुम्हारा जो ये था ये एयर है और ये म्यू है, अगर म्यू वन तुम्हारा वन है और म्यू टू तुम्हारा म्यू है तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा बी वन म्यू। तो हमने देखा अभी ब्रूस्टर्स एंगल का जो टेंजेंट होता है वो जिस मीडियम में जारी होती रहे उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ये याद रखना है ना। अगर ये कभी भूल जाते तो ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे परपेंडिकुलर होती हैं। बस ये छोटे से छोटे क्वेश्चन आते हैं ए ट्रिपल ई में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, म्यू दे देंगे थीटा भी पूछ लेंगे या फिर कुछ ऐसे ही कर देंगे। क्लियर है सबको? अब क्या करते हैं हम, जो तो इससे हमने पता पोलराइज तो कर लिया लाइट को, क्या कहलाता है ये पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। पर इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते, प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हमें जो पोलराइज लाइट मिल रही है वो एक्चुअली मान लो 100 जूल एनर्जी गिरी पर हमको सिर्फ 5 जूल एनर्जी पोलराइज लाइट में मिल रही है, मैक्सिमम लाइट तो रिफ्रैक्ट हो गई, इसलिए ये अच्छी मेथड नहीं है ना। तो फिर एक मेथड और है, लिखो अगली। पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम करते क्या है, हम ऐसी बहुत सारी स्लैब्स लगा देते हैं। चलो हम लाइट को मान लेते हैं ऐसे डाल रहे हैं इंसिडेंट लाइट को, हमने यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स लगा दी, बहुत सारी लगा दो। अब क्या था, हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई वो तो कैसी थी, अनपोलराइज्ड थी, उसी को तो पोलराइज करना है। और हमने ये इस तरह से लिया है, हम इन स्लैब्स को इस तरीके से लगाते हैं कि ये एंगल कितना हो थीटा बी के बराबर, ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर ही है, और से इन स्लैब्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है कुछ सबका, तो टेन थीटा बी म्यू के हिसाब से ले लिया हमने। तो क्या होगा, अब ये इस पे गिरेगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, होगा क्या, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई होगी है ना, कुछ लाइट ऐसे जाके फिर ऐसे आई होगी, हल्की सी शिफ्ट कर गई होगी ना, फिर इधर से फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर कुछ पास करेगी, फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर पास करेगी, ऐसे ही होगा। अब जितनी भी बार भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ब्रूस्टर्स एंगल था तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, समझ में आ रहा है? तो तुम क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले कंपोनेंट को बार बार क्या करते जा रहे हो, रिफ्लेक्ट करते जा रहे हो, रिफ्लेक्ट करके हटाते जा रहे हो। तो यहाँ पे तो पार्शियली पोलराइज जाती है ना, जैसे ऐसी थी, अभी मान लो ऐसा था, फिर इसके बाद कैसा हो गया,
और मान लो तीन रिफ्लेक्शन के बाद ऑलमोस्ट तुम्हें कैसी मिल गई इस डायरेक्शन में जो लाइट मिल रही है, वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। किस डायरेक्शन में? प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। ये समझ में आ रहा है? तुम क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट करवाते जा रहे हो। तो अब तुम जितनी ज़्यादा स्लैब्स लगाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हें अच्छी पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। किस डायरेक्शन में? प्लेन ऑफ इंसिडेंस में। ये समझ में आया? पर ये मेथड भी अच्छी नहीं है। क्या कर रहे हो तुमने, क्योंकि यहाँ पे तुमने इतनी सारी रिफ्लेक्टेड लाइट तो बर्बाद हो गई ना तुम्हारी, इतनी सारी लाइट को तो तुमने रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो यहाँ पे जो परसेंटेज बचता है वो भी बहुत कम बचता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं पर ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। लिख लो जल्दी से। हाँ, उसको यूज़ कर लो, पर वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है ना, एक जगह नहीं मिल रही ना सारी की सारी लाइट। अब हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर लगा वगैरह लगा के कुछ कर सकते हो, करते होंगे पता नहीं। ठीक है, अगला लिखो, थर्ड लिख लो, पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग। अब क्या होता है भाई, चलो आसमान ब्लू क्यों दिखता है, वाई इज स्काई ब्लू, या फिर जब सनसेट हो रहा होता है या फिर सनराइज हो रहा होता है उस समय सन के आसपास रेडिश क्यों दिखता है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे भूल लिया। सोच के देखो एक बार, क्यों दिखता है वैसे, मतलब येलो भी तो दिख सकता था, बताओ। सर, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। क्यों? मतलब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ब्लू ज़्यादा स्कैटर करते हैं। क्यों? ठीक है, वैसे सर रेली स्कैटरिंग बोलते हैं कि जो स्कैटरिंग होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, है ना, λ^4 रेली स्कैटरिंग कहलाती है। तो उस कारण से ऐसा होता है ना, तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उनकी स्कैटरिंग उतनी कम होती है ना, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टाइम में बात कर लेते हैं, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, ज़्यादा। फिर जब सनसेट हो रहा होता है तो रेड क्यों दिखता है, तब भी ब्लू दिखे फिर? सर नहीं, तब मतलब एक एंगल से आता है सन, वरना इक्वेटर। बना के बताओ ना, बना के बताओ। अभी कोई एक दो दिन आगे कोई आके पूछ भी रहा था क्या ग्रीन फ्लैश लगा था, तुम थे? थोड़ा समझाओ थोड़ा, ये क्या है? पूछा सन अर्थ क्या बना रहे हो? आफ्टरनून में हमारी पोजीशन ये रहती है और इवनिंग या मॉर्निंग में हमारी पोजीशन ये रहती है। आफ्टरनून में डायरेक्ट सनराइज आ जाती है, ठीक, और डायरेक्टली सनराइज एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स में, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स रहते हैं उसमें सनराइज इतने दूर, ठीक है ठीक है, तो आराम से स्कैटर हो जाती है। समझाओ ना थोड़ा अच्छे से, बनाओ थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम बना लो और समझाओ कैसे हो रहा है। बहुत बड़ा है अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना, वरना तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो समझ ही नहीं, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अभी गलत हो जाएगा। तो ये भाई, ये 6400 किलोमीटर है, तो ये तुम्हारी अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है। अब ढंग से एक्सप्लेन होगा फिर। तो सर यहाँ पे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहती है, तो जब आफ्टरनून रहती है या मिड डे रहती है तब हमारी पोजीशन अप्रोक्सीमेटली यहाँ रहती है, और मॉर्निंग और डॉन के टाइम यहाँ पे या यहाँ पे रहती है जब सन की। अरे मॉर्निंग पे बात कर लेते हैं, मॉर्निंग में भी तो स्काई ब्लू दिखता है, नहीं दिखता क्या मॉर्निंग पे? एकदम मॉर्निंग पे जब, अच्छा हो गए, 8-9 बज गए अभी ब्लू ही दिखता है ना स्काई, तो चलो 8-9 बजे की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तुम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो। तो रेज डायरेक्टली ऐसे आती है तो उसमें ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, रेड लाइट। समझाओ ना डायग्राम बना के, समझाओ कैसे स्कैटर हो रही है, कैसे आई में जा रही है स्कैटर होके। मुझे तो लग रहा है भाई स्कैटर टकरा के होगा, यहाँ वहाँ चली गई, यहाँ मेरी आई में तो आई नहीं रही। एक्चुअली जो सनसेट डायरेक्ट आ रही होती है ना उधर पे, तुम्हें ब्लू दिखता भी नहीं है। छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं बहुत एटमॉस्फेयर, अब ये छोटे पार्टिकल्स पे ब्लू लाइट की वेव है, ठीक है, सही है, सही बोल रहे हो, बैठो है ना। तो देखो सन की रेज आ रही है ना,
अरे यार जब अपनी सुबह शाम हो रही होती तब भी तो दिखता है स्काई, तो तब भी पता है ब्लू ही दिखता है ना। तो देखो ये है भाई स्काई, ये होता है जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मुझे ये वाली जगह दिख रही है और सन कहीं यहाँ पे दिख रहा है मुझे, समझ रहे हो? तो जब सामने सन के यहाँ से जो रे आ रही है, एक रे सन से ऐसे आ रही होगी, एक रे कोई सन के ऐसी होगी जो एटमोसफेयर से टकरा के आई होगी, ठीक है? तो अब बताए एटमोसफेयर का काम क्या है, ब्लू को स्केटर कर देना और बाकी की लाइट को पास कर देना। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर जैसे स्कैटरिंग हुई तो ब्लू स्कैटर हो गई और रेड पास होकर चली गई। तो इसलिए जब मैं सन, देखो सन सामने है ना, अभी सनसेट या सनराइज हो रहा है तो सन तो सामने है, ऊपर मैं देख रहा हूँ तो मुझे स्काई दिख रहा है, स्काई कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर होकर मेरे आंखों में आ रही है। अब देखो जब यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर मान लो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने ब्लू लाइट को स्कैटर कर दिया तो ब्लू लाइट कहीं स्कैटर होकर चली गई, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैटर्ड हुए। तो जितनी भी बताएं लो वेवलेंथ वाली लाइट थी वो सारी स्कैटर्ड हो गई। अब मेरी आंखों तक जो पहुंच रही है वो कौन सी लाइट है, रेडिश लाइट है, तो इसलिए मुझे स्काई रेडिश दिख रहा है, समझे? चलो अब अपन अपने पे आ जाते हैं ना पोलराइजेशन पे। तो यहाँ पर भी अपन स्कैटरिंग पढ़ने वाले हैं, इसलिए कर रहे हैं। जो स्कैटर्ड लाइट होती है एक्चुअली में वो भी पोलराइज लाइट होती है, वो लाइट सिर्फ ब्लू नहीं है जो तुम्हारी आंखों में जा रही है, वो ब्लू के साथ साथ पोलराइज भी है। तो अब इस समय हम पोलराइजेशन वाली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक पार्टिकल है, इसी पार्टिकल से अपन स्कैटर करवाएंगे, लाइट आ रही है एक, और ये लाइट कैसी है, ये हमारी जो लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है? तो अब ये जब इस पार्टिकल से टकराती है तो एक क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका सीधा पास कर जाता है और उस कुछ पार्ट स्कैटर कर जाता है। अब जो पार्ट स्कैटर करता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है, और जो पाथ जो पास कर जाता है वो पार्शियली पोलराइज्ड रहती है। बस ये इतना ध्यान रखना तुमको, है ना? जो लाइट पास कर जाएगी वो कैसी होगी, पार्शियली पोलराइज्ड होगी, और ये क्या हो जाएगी, लीनियरली पोलराइज्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लिखो जल्दी से, हाँ तो एटमोसफेयर बड़ा भी ज़्यादा है, सही बात, ये भी रीज़न है। अगर एटमोसफेयर छोटा सा होता तो कुछ ब्लू लाइट मान लो स्कैटर हो गई, बाकी की नहीं हो पाई तो रेड और ब्लू इसका मिक्सचर दिखता, पर एटमोसफेयर सफिशियंटली लाइट लार्ज है कि लगभग वो सारी ब्लू लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, ये भी रीज़न है। देखो अगर स्कैटर्ड लाइट तुम्हारी आंखों में आ रही है तो तुम्हें ब्लू दिखेगा, अगर डायरेक्ट रे तुम्हारी आंखों में आ रही है तो तुम्हें रेड दिखेगा, सीधा संबंध है। तो बीच में येलो वेलो भी दिखता ही रहता है यार, बीच का भी आ ही जाता है, बहुत से कलर आते रहते हैं। चलो अगला क्या था भाई, पोलराइजेशन भाई डाइक्रोइज्म है ना। क्या होता है कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, वो केमिस्ट्री में स्टडी कर लेना तो, पर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक मतलब उनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करती हैं, और होमोजीनियस का मतलब, होमोजीनियस मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और आइसोट्रोपिक मतलब विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है? तो वह एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स होते हैं कुछ, तो उन क्रिस्टल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर जब तुम अनपोलराइज लाइट डालते हो उनके अंदर, है ना, ट्रांसपेरेंट ही होते हैं वो, तो जब तुम उनमें अनपोलराइज लाइट डालते हो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है ये, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, तुम उसमें अनपोलराइज लाइट डालते हो वो पोलराइज करके तुम्हें बाहर दे देता है। तो उस क्रिस्टल से हम जो बनाते हैं उस मटेरियल को हम बोलते हैं, उनको उन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लाइट को क्या कर देते हैं, पोलराइज। तो अभी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं वो वहाँ पे बना रहता है, हम यहाँ पे इस सिंबल को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने लाइट डाली मानो, तो ये लाइट थी भाई अनपोलराइज लाइट थी, हर डायरेक्शन में थी। अब देखो मैंने थोड़ा 3D बना दिया, तो जब इस पोलराइड में से पास करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, थोड़ा तो है ही, तुम्हें क्या मिल गई, पोलराइज लाइट। इसने बाकी सारी लाइट को ख़त्म कर दिया। तो समझ गया क्या पोलराइड्स का काम क्या है, बस एक इंस्ट्रूमेंट है, सीधा सा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट को पोलराइज करके दे देता है, बाकी डायरेक्शन की लाइट को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। बना लो, तो ये अनपोलराइज है, ये पोलराइड है, और ये क्या है तुम्हारी, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। अब जाके पढ़ना कि कौन सा क्रिस्टल होता है, उसका फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर वो कैसे करता है ये काम, फिर बड़े बड़े से रिसर्च पेपर खोलेंगे 50-50 पेज के, फिर उनको स्टडी करना,
पर हो, जब उस 50 पेज के रिसर्च पेपर में कम से कम 100 तो रेफरेंस होंगे, मतलब 100 रेफरेंस मतलब उनमें से 100 चीज़ें ऐसी होंगी जो उस रिसर्च पेपर में एक्सप्लेन नहीं करी होंगी, अगर उसको समझना है तो तुम्हें उन 100 रिसर्च पेपर में जाना पड़ेगा और फिर उनमें और होंगे रिसर्च पेपर। जब आप लिखते हो तो आपको आपको कोई भी, अगर आप FA=MA भी यूज़ कर रहे हो तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने कहाँ से, अपने मन से ऐसे पता चले लोग इक्वेशन दिए जा रहे हैं, तो हर एक जो चीज़ लिखते हो उसका रेफरेंस होना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ इस रिसर्च पेपर में से उठाई है। चलो एक लाइट है ना, ये लाइट मान लेते हैं इस तरह से पोलराइज्ड है ना, किसी थीटा एंगल पे पोलराइज्ड है और उसका एम्पलीट्यूड से ए है, या फिर ई नोट मान लो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नोट है उसका। तुम्हारे पास एक पोलराइज्ड लाइट है, ये खुद अपने आप में क्या है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया, एक सब कुछ मैं सर्कुलर दिखा रहा हूँ ना, और पोलरॉइड ऐसा बना रहा हूँ नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये हमने एक पोलरॉइड यूज़ कर दिया। तो बताओ जो लाइट पास होगी वो कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, समझो पोलरॉइड सिर्फ इस डायरेक्शन में अलाउ करता है लाइट को, है ना, मैं बता दे रहा हूँ पोलरॉइड क्या करेगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन अलाउ कर रहा है, और जो तो हमने जो लाइट डाली है वो इस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है। तो अब जो बाहर मिलेगी क्योंकि वो तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में अलाउ करता है, तो तुमको लाइट तो सिर्फ ऐसी ही मिलेगी, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, फ्लक्चुएट, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो ई नोट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हो इस चीज़ को, कि ये जो लाइट थी भाई है तो वेक्टर ही ना, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, मान लो भाई इस डायरेक्शन में था ई नोट कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था क्या, ई नोट साइन थीटा। तो पोलरॉइड क्या करता है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले को ब्लॉक कर देता है और उससे जो उसके डायरेक्शन में उसको अलाउ कर दिया। आया क्या समझ में ये वाली चीज़, देखो तो इन पे क्वेश्चंस आएंगे, एक तो ब्रूस्टर्स एंगल पे आते हैं क्वेश्चन, एक इस पे आएंगे क्वेश्चंस, लिख लो। चलो ठीक है एक क्वेश्चन करो, है ना, चलो मैं डायरेक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ ना, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तुमने एक लाइट डाली, पोलराइज लाइट डाली हमने, जो कि एक्स डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है, तो बताओ आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट में कैसी लाइट आएगी, पोलरॉइड बाई डायरेक्शन में रखा गया है और लाइट एक्स डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है, तो आउटपुट कैसा आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, नो लाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पोलरॉइड का काम ही क्या था, कि जो इसका जो भी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो अलाउ करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वो ब्लॉक कर देता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ब्लॉक कर दिया। ये फर्स्ट ईयर में तुमको एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं ना, पोलरॉइड ऐसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं होती है। तो क्या करते हैं, दो पोलरॉइड, एक ट्यूब सा होता है सिलेंड्रिकल, तो उसमें दो पोलरॉइड लगे होते हैं और पोलरॉइड को तुम इस तरह से घुमा सकते हो ना, तो पहले तो तुम्हारे पास जो लाइट आ रही है वो कैसी है, अनपोलराइज्ड, पहले पोलरॉइड से पास करेगी तो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो गई, से किसी एक तुमने इस डायरेक्शन में पोलराइज कर दी। अब यहाँ पर तुम्हारे पास दूसरा पोलराइड है, उसको तुम घुमा सकते हो, तो जब उसको तुम ऐसे रखोगे तो तुम्हें मैक्सिमम लाइट दिख रही होगी, और इसको जब परपेंडिकुलर कर दोगे तो कोई लाइट नहीं दिखेगी। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे बस। अच्छा, यहाँ पे इंटेंसिटी के टर्म्स में भी हम बात कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है किसी एंगल थीटा पे, है ना, ये क्या? और यहाँ पर तुमने एक पोलरॉइड रख दिया, ये हमने एक पोलरॉइड रख दिया, तो हमको अब ये तो पता है आउटपुट कैसा आता है, ये तो पक्का है भाई, जिस डायरेक्शन में पोलरॉइड होगा उसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी इंटेंसिटी आई है, बताओ ये आई इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी अपन ने रिलेशन निकाल लिया था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, ई थी, है ना, और वो ई कितना निकल के आया था तुम्हारा, ये समझ में भी आया है ना। इंटेंसिटी बताओ जल्दी, आई और आई नॉट में क्या रिलेशन होगा, पोलराइज्ड लाइट है ये, हाँ ये तो अच्छे से समझो ना, ध्यान से देखो, मैंने एक ही डायरेक्शन में दिखाया ना, अनपोलराइज्ड होता तो हर डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रहा होता, अब तुम तो पहले उसको देख के समझना, मैंने वेक्टर वगैरह कुछ बनाए थे, नहीं तो बाहर आके पूछना, ठीक है भाई। ये भी पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी में बताओ क्या रिलेशन होगा। अच्छा, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में पता है ना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ई नॉट, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू सम के इंटू ई नॉट स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू सम के इंटू ई स्क्वायर। सम कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट क्या है उससे हमें मतलब नहीं है,
वो हम निकाल भी लेंगे मैक्सवेल इक्वेशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, पर अभी तो कोई कांस्टेंट है। और ई क्या है बताओ, के इंटू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के इंटू ई नॉट स्क्वायर को तुमने क्या लिख रखा है, आई नॉट। तो आई तुम्हारा कितना आ गया, आई नॉट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मालूस, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर पोलोरॉइड प्लेन पोलराइज लाइट से थीटा एंगल पे, तो जो इंटेंसिटी पास होगी वो कितनी होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये मालूस लोगों को याद रखना। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं एक लाइट है ना, इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, नाम दे दो यार इनको कोई भी। चलो ऐसे बोल देते, ये तुम्हारा जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन है। गलत है, ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन और ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड है अपनी लाइट, ठीक, और लाइट जाए ऐसे रही है, ऐसे जा रही है लाइट। तुमने क्या करा, दो पोलरॉइड्स रख दिए, एक पोलरॉइड, जो पहला पोलरॉइड है वो थीटा एंगल पे पोलराइज करता है, पोलरॉइड वन है ना, फिर पोलरॉइड टू रख दिया। ये जो है तुम्हारा, ये वाई डायरेक्शन कौन सा है, हाँ वाई डायरेक्शन में पोलराइज करता है ना, ये वाई और एक्स, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं, वाई एक्स, वाई एक्स, वाई। अब y मतलब यार डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मत समझना तुम, ये लो ऐसा बना देते y, ये y ऐसा है, ठीक है। और लाइट तुम्हारी z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो बताओ फाइनली जो लाइट यहां पर आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ फाइनली पोलराइज्ड लाइट। What is the intensity of light coming out of second polaroid? Second polaroid initially जो इसका orientation उससे perpendicular है, तो कोई light बाहर आएगी भी या नहीं आएगी, आएगी पक्का, चलो देखते हैं ना। इससे जो बाहर आएगी वो कैसी होगी, इस direction में होगी, है ना, और उसकी intensity कितनी होगी, I not। अब ये जो है वो इससे कितना angle बना रही है, 90 minus theta। तो यहाँ पर जो लाइट आएगी वो कैसी पोलराइज होगी, वाई डायरेक्शन में पोलराइज होगी, और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। समझ में आया क्या? अच्छा, और बीच में से अगर इस पोलराइड को मैं हटा दूँ तो फिर ज़ीरो, ये समझ में आ रहा है? तो मैं एक तरीके से लाइट की पोलराइजेशन भी चेंज कर सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन से मैंने वाई डायरेक्शन कर दी दो पोलराइड्स को यूज़ करके, ठीक है। पर अगर इस पोलराइड को हटा देता तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं आती। देखो कोई डाउट है तो, देखो इन टॉपिक्स पे अगर क्वेश्चन आ गए ना तो समझना फ्री के नंबर है, मतलब इन पे टफ क्वेश्चंस बना ही नहीं सकते तुम। तो एक अनपोलराइज, अभी तक अनपोलराइज नहीं ना, नहीं लिया ना हमने, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अनपोलराइज लाइट को ले रहे हैं, अनपोलराइज ये लाइट प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पोलोरॉइड रख दिया, तो अनडाउटेडली जो लाइट बाहर आएगी वो किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी। अब मान लो ये सनलाइट है, सनलाइट तो अनपोलराइज्ड होती है तुम्हारी, तो ये सनलाइट थी, इसकी इंटेंसिटी से आई नॉट थी। अब पोलोरॉइड से पास करने पर इसकी इंटेंसिटी आई है, मुझे बताओ आई और आई नॉट में क्या रिलेशन होगा। ऑप्शंस लिख देता हूँ, अब तुम लोग बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और खत्म तुम्हारी क्लास। आई इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू, आई इक्वल टू आई नॉट बाई थ्री, डेटा इनसफिशियंट, अरे थ्री तो हो गई नहीं, फोर। सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ, सब दिमाग का खेल है भाई। आई नॉट से ज़्यादा हो जाएगी इंटेंसिटी तो फिर दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। जो है उसको अच्छे भाई, इतना क्या तुमने एक तो पाँच वर्ड बोल के छोड़ दिया। तुम बोल रहे हो एक्स और वाई डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट ले लूँ, है इस अनपोलराइज लाइट को कुछ इस तरीके से दिखा दूँ, ठीक है। जितने भी हैं सबको अपन एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे ठीक है, मान लेते हैं फिर, ठीक है। अब सीधा बोल सकते हो आधी लाइट पास नहीं हुई ना, सीधे सीधे आधी लाइट नहीं हुई पास तो ख़त्म भाई। यहाँ पर कितनी आएगी, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट वाई टू, आधी लाइट पास नहीं हो रही है तुम्हारी,
ठीक है, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे जो आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स, मान लो ये तुम्हारे कुछ थे ई नॉट और ई नॉट, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, ई नॉट ही होगा। तो इस अगर तुमने इसको इस तरीके से दिखाया है, मैंने इसको ये सेम चीज़ को इस तरह से बनाया, इक्विवेलेंट लिख देता हूँ भाई, अलग नहीं बनाया कुछ, इक्विवेलेंट। तो आई नॉट और ई नॉट में बताओ क्या रिलेशन है, ई नॉट और ई नॉट का रिजल्टेंट क्या होगा, रूट टू ई नॉट। तो आई नॉट तुम्हारा क्या आया है, रूट टू ई नॉट का स्क्वायर, मतलब आई नॉट तुम्हारा क्या था, टू ई नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे देखो आई और ई नॉट में क्या रिलेशन आएगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर, और ई नॉट स्क्वायर कितना है तुम्हारा, आई नॉट बाई टू। तो प्रूफ भी कर दिया हमने, देख लो ये प्रूफ भी कर दिया, या फिर बाकी वो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई दो पार्ट थे, ये था अनपोलराइज्ड, मतलब हर डायरेक्शन में सेम है, तो एक इस डायरेक्शन में था, एक इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन वाले को तुमने खत्म कर दिया, आधा खत्म कर दिया, तो आधी इंटेंसिटी जाएगी, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आधी नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाई रूट टू से जा रहा है, यहाँ पे रूट टू ई नॉट थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई नॉट जा रही है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो याद रख लो जब भी अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, सीधी सी बात। पोलराइज्ड लाइट डालोगे तो मालूस लो यूज़ करना, ठीक है, अनपोलराइज्ड के लिए आई नॉट बाय टू, चलो ठीक है।